ओंकार श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं स्वरूप का पूजन किया जाता है। माँ काली को माँ के सभी रूपों में सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना गया है। भय को दूर करने वाली, बुद्धि देने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली माँ काली की उपासना करने से सभी कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। माँ काली की आराधना शीघ्र फल देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग में स्वयं हनुमान जी, काल भैरव और माँ काली की शक्तियाँ जागृत रूप में अपने भक्तों का उद्धार करने वाली होंगी। नवरात्रि का हर दिन विशेष महत्व रखता है, लेकिन नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और महानवमी का सबसे अधिक महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की सप्तमी पर माता रानी के नेत्र खुलते हैं, इसलिए नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और महानवमी के दिन माँ का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में आने वाली अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता रानी का पूजन करने से माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि की महाअष्टमी 17 जुलाई दिन शनिवार को है और शनिवार का दिन भी माँ काली को समर्पित होता है, इसलिए इस बार की महाअष्टमी और भी ज्यादा शुभ हो गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और शनिवार के इस शुभ संयोग पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से माता रानी की कृपा से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। माँ काली अपने भक्तों के सभी भय, दुख और दरिद्रता का नाश करती हैं। माता रानी की कृपा से धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है और धन का लाभ होता है। माँ अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी को माँ हर लेती हैं। दोस्तों, उपाय सही प्रकार से करने के लिए वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन असरकारक उपायों के बारे में। दोस्तों, आज के दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए आप माँ का पूजन रात्रि के समय अवश्य करें। आपको यह उपाय रात 9 बजे के बाद करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले अपने मंदिर के पास का स्थान साफ करें और वहां पर एक लकड़ी का पट्टा बिछाएं और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब इसके ऊपर आप माता रानी की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। अगर लकड़ी का पट्टा ना हो, आप अलग से चौकी स्थापित ना कर सकें, तो आप इस उपाय को अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। अब आप माता रानी के सामने एक साफ प्लेट रखें और थोड़ी सी कुमकुम लें। कुमकुम में गंगा जल मिलाएं। गंगा जल ना हो तो थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाएं। अब इस जल मिले हुए कुमकुम से आप प्लेट पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब इस स्वास्तिक के बीचों बीच आप थोड़े से साबुत चावल रखें। इसके बाद आप एक आटे का दीपक तैयार करें। ध्यान रखें, आटे में नमक नहीं होना चाहिए। साफ जल से मड़ा हुआ आटा लें, इसका एक दीपक बनाएं। अब इस दीपक में आप शुद्ध सरसों का तेल भरें और फिर दो रुई की बाती लगाएं। स्वास्तिक के बीचों बीच जो आपने थोड़े से चावल रखे हैं, उनके ऊपर आप इस दीपक को रख दें। आपको ध्यान रखना है कि आपको दीपक इस तरह रखने हैं कि दीपक की जो बाती है वह माता रानी की तरफ हो। इस तरह दीपक रखने के बाद अब आप इस दीपक को जला दें और साथ में एक गुलाब की सुगंध की धूप बत्ती जलाएं। अगर गुलाब की ना हो तो कोई भी सुगंधित धूप बत्ती जला लें। अब आप माँ को कुमकुम से तिलक करें और किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात अब आप माँ का पूजन करें। दोस्तों, अगर आपके यहाँ श्रीयंत्र है तो आप माँ के पास श्रीयंत्र को भी स्थापित करें। श्रीयंत्र स्थापित करने के लिए आप थोड़े से साबुत चावल लें, उनमें कुमकुम मिला लें और चावलों को थोड़ा लाल रंग का कर लें और फिर इन चावलों की आप ढेरी माता रानी के पास रख दें
और फिर इस ढेरी के ऊपर आप श्रीयंत्र रखते और श्रीयंत्र पर भी कुमकुम से तिलक करें। अगर पुष्प है तो पुष्प और अक्षत यानी कि साबुत चावल पहले आप माता रानी को अर्पित करें और फिर श्रीयंत्र पर अर्पित करें। अगर पुष्प ना हो तो भी आप थोड़े से साबुत चावल माता रानी और श्रीयंत्र पर चढ़ाएं। इस तरह माँ का पूजन करने के पश्चात अब आप माँ के इस मंत्र का 108 बार जाप करें, यानी कि इस मंत्र की एक माला का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप थोड़ी देर हाथ जोड़कर जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन जाप करें। इस तरह माँ का पूजन करने के पश्चात अब आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्या हैं, वह आप माँ के सामने कहें और सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया माता रानी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा से धन संबंधी समस्या तो दूर होती ही है, साथ ही कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। पूजन के बाद आप अपने मस्तक पर भी कुमकुम से तिलक करें। जब दीपक पूर्ण हो जाए तो आपने माँ को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अगले दिन स्नान आदि करने के पश्चात आप माता रानी को वापस मंदिर में स्थापित कर दें और श्रीयंत्र को भी मंदिर में स्थापित कर दें। और जो चावल और स्वास्तिक है, जो दीपक है, इन सभी सामग्रियों को आप इकट्ठा करें और शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। अगर ऐसी जगह आपके यहाँ ना हो तो जो दीपक है और जो चावल है, चावलों को आप पहले पानी से धो लें और चावल और दीपक को आप पक्षियों को डाल दें। और जो चावलों में से कुमकुम निकली है वह कुमकुम और जो स्वास्तिक है उसको भी आप पानी में घोल लें और इस पानी में जो कुमकुम घुली हुई है, इस कुमकुम मिले हुए जल को आप किसी पौधे की जड़ में डाल दें। दोस्तों, नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन माता रानी के साथ ही भगवान भोलेनाथ का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ जाता है, यानी कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, या आप लगातार बीमार रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी बनी हुई है, तो इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आज के दिन आप सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप भोलेनाथ की शिवलिंग का जलाभिषेक करें, यानी कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद आप शिवलिंग पर 3 बार काले तिल चढ़ाएं। इसके लिए आप हाथ में थोड़े से काले तिल लें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए एक बार तिल शिवलिंग पर अर्पित करें। इस तरह आपको 3 बार मंत्र का जाप कर 3 बार ही तिल शिवलिंग पर अर्पित करने हैं और फिर भगवान शिव जी से सभी कष्ट समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अगर आपको कोई रोग है, आप बीमार हैं, तो आप तिल चढ़ाने के पश्चात भगवान जी के सामने बैठ कर ही महामृत्युंजय मंत्र की माला का जाप करें, यानी कि 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है, ओम त्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्यु मुच्छ्य मामृतात्। दोस्तों, इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से भगवान शिव जी की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और रोगों का नाश होता है, साथ ही माता रानी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप आज के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक करें। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक करने से भोलेनाथ की कृपा से शत्रु शांत हो जाते हैं, बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देगा। दोस्तों, अगर आपके पास धन रुकता ही नहीं है, यानी कि तमाम मेहनत के बाद भी आपको लाभ मिलते मिलते रह जाता है, आप चाहते हैं आपको धन की कमी ना हो, माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे, तो नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन
कौड़ी का यह आसान सा उपाय अवश्य करें। इसके लिए आप 7 पीले रंग की कौड़ियां लें और 1 पीले रंग का कपड़ा लें। इन कौड़ी और कपड़ों को पहले तो शुद्ध जल से साफ कर लें, कपड़े को अच्छी तरह से सुखा लें और कौड़ियों को भी पोंछ लें। अब आप माँ का पूजन करते समय महाअष्टमी की रात्रि को माता रानी के सामने पीले रंग का यह कपड़ा बिछाकर इस पर 7 कौड़ी रख दें। कपड़े पर कौड़ी रखकर आप माँ को अर्पित करें। दोस्तों, कौड़ी माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। कौड़ी समुद्र से निकली है। मान्यताओं के अनुसार कौड़ी से माँ लक्ष्मी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। कौड़ियों को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, अब आप माँ के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। माता रानी को पहले हल्दी कुमकुम से तिलक करें और कौड़ियों पर भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें। अब आप माँ को अक्षत और पुष्प अर्पित करें और फिर कौड़ियों पर भी अक्षत पुष्प अर्पित करें। अब आप माँ लक्ष्मी के इस महामंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद दोस्तों, अब इन कौड़ियों को आप इसी पीले रंग के कपड़े में बांध लें और इन कौड़ियों को आप माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आप जिस भी जगह अपनी ज्वेलरी रखते हैं या जहाँ कहीं भी आपकी तिजोरी है, यह पोटली आपको वहाँ रख देनी है और साथ ही माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में धन समृद्धि में बरकत करें और धन की हानि कभी ना हो। दोस्तों, इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से धन में बरकत तो होती ही है, साथ ही धन की हानि होना भी बंद हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है और घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अशुद्ध हाथों से या पीरियड के दौरान महिलाएं इस पोटली को ना छुएं। दोस्तों, नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन के आसान से उपाय अवश्य करें और इनसे लाभ प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।